गाइस, जैसा कि आपने स्टार्टिंग में एक क्लिप देखी जिसमें कि मैंने कुछ अलग टाइप से हेडशॉट लगाया, जिसमें कि पहले मैंने अपने फायर बटन को नीचे खींचा, देन ऊपर खींचा एंड परफेक्ट हेड लगा। गाइस, जैसा कि आपने देखा, पूरा पूरा हेड पर नहीं, कोई भी गाइस ये मतलब हैक नहीं है, बिल्कुल ट्रिक है। गाइस, इस ट्रिक से फॉलो करके आप बंदे को आसानी से हेडशॉट मार सकते हैं। एंड गाइज, ये आफ्टर अपडेट हो रहा है, ठीक है गाइज। अपडेट से पहले आई थिंक ऐसा नहीं था क्योंकि मैंने नहीं किया था, लेकिन गाइज जब से मैंने इस टाइप से अभी यार कर रहा था, खेल रहा था एंड अचानक मैंने पहले नीचे खींच कर ऊपर गलती से कभी हो गया एंड हेड लग गया यार। तो उसके बाद गाइज मैंने इस पर रिसर्च की एंड उसके बाद गाइज मैंने बहुत सारा ऐसा ट्राई किया, तो गाइज जिसमें भी गाइज मैंने ट्राई किया यार सबके हेड और हेड लगा, ठीक है। तो पहली बात तो बता दूँ कि ये गाइज मैंने अभी तक ओनली M1887 से किया था, इसलिए गाइज मैं ये वीडियो लेकर आया हूँ। एंड M1040 से होता है या नहीं ये नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा, ठीक है। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि कैसे आप हेड ले सकते हो आसानी से, आपने स्टार्टिंग में देख ही लिया होगा। एंड ये कोई गाइज मैंने किसी की क्लिप उठाई नहीं है, बल्कि मैंने खुद बनाई है, आपने मेरा ड्रेस देखा होगा एंड अब भी देख सकते हो। एंड ना ही इसमें गाइज 2-3 मैच लगे, एक ही मैच में देख सकते हो गाइज मारा है सबको। तो वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दो, क्योंकि हम आगे भी ऐसी वीडियो लाते रहेंगे। तो पहली टिप नंबर मैं आपको बताऊंगा कि इसको कैसे मारना है, हेड किस टाइप से मारना है, ठीक है। लेकिन गाइज अगर आप हो एक यूट्यूबर और गेमिंग यूट्यूबर हो या फिर किसी भी टाइप की, तो गाइज मैंने एक चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी है, या फिर जाकर मेरे चैनल पर देख सकते हो, टेक्निकल सक्सेस नाम है चैनल का, उसे जाकर सब्सक्राइब कर लो। उस पर मैं मतलब टिप्स एंड ट्रिक के वीडियो डालता हूँ यूट्यूब के लिए, जो कि एक यूट्यूबर के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद रहता है। तो जाओ जल्दी से सब्सक्राइब करो गाइज, उस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना एंड उस पर मैं गिव अवे भी करने वाला हूँ, तो उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, यहाँ पर आप आई बटन पर देख सकते हो, यहाँ पर आपको मिल जाएगी। तो जाओ डायरेक्ट सब्सक्राइब करो, बाकी कुछ नहीं करना, और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर सेट कर देना, ठीक है। तो अब मैं आपको बताता हूँ एंड न्यू अपडेट आपको पता है कि आ चुका है, जिसमें कि गाइज मैं बहुत ही अच्छी सी आगे भी ट्रिक्स एंड टिप्स लाने वाला हूँ। शॉर्ट गन ऑटो हेडशॉट है, लॉन्ग रेंज ऑटो हेडशॉट, तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखो। तो चलिए वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। सो गाइज, अब यहाँ पर देखना कि मैं इसको कैसे हेड मारता हूँ एंड उसके बाद मैं आपको टिप्स बताऊँगा। देखो यहाँ पर देखो गाइज, जैसे बंदी आई मैंने एक बार फायर बटन नीचे किया, देन जस्ट एकदम ऊपर कर दिया। तो अब एक बार इसको स्लो मोशन में दिखा देता हूँ, उसके बाद डिसाइड करना कि मतलब मैं आपको बताऊँगा कि कैसे हेड मारते हैं, किस टाइप से मारता हूँ मैं। सो गाइज, अब यहाँ पर आप स्लो मोशन में देखना कि मैं कैसे एकदम परफेक्ट हेड मारता हूँ एंड कोई भी बुलेट बॉडी पर नहीं लगती। एंड ये एक बार नहीं गाइज, आपने स्टार्टिंग में क्लिप्स देखी भी होगी, तो ये ट्रिक भाई गाइज बिल्कुल नहीं है। एंड आगे भी मैं गाइज बहुत ही अच्छी हेडशॉट वाली वीडियो लाऊंगा, जो भी लॉन्ग रेंज शॉर्ट रेंज, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार। और AWM की टिप्स एंड ट्रिक का भी वीडियो लाया हुआ है। अब देखो सामने वो बंदी आई या बंदा जो भी है, जैसे ही सामने बंदी आई मैंने पहले तो पोजीशन ली, पोजीशन फर्स्ट है, ठीक है। तो देखो गन हाथ में ली एंड पोजीशन ली, थोड़ा सा दूर गया, देन मेरा फायर बटन को नीचे किया, देन एकदम ऊपर कर दिया। कोई मैंने AWM नहीं लगाया, एकदम नीचे किया, ऊपर किया। अब मैं एक और क्लिप दिखाऊंगा, उसे भी देख लेना, फिर आपको क्लियर हो जाएगा कि भाई एक ही शॉट नहीं लगा, ये गलती से भाई लग गया, मतलब तुक्के से नहीं गाइज, 100% लगता है। तो ये शॉट मैंने कैसे मारा गाइज मैं आपको बता दूं। इसके लिए पहली तो कंडीशन ये है, आपको प्रैक्टिस चाहिए। प्रैक्टिस कैसे करनी, आप TDM खेलो, जिसमें कि गाइज आप बार बार करो कि एकदम अपने फायर बटन को नीचे करो, देन फटाफट ऊपर करो सामने एनिमी आते ही, ठीक है। तो इसके लिए आपको प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा चाहिए। एंड दूसरी बात कि एनिमी गाइज अगर दौड़ रहा है तो इसके लिए बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस चाहिए। लेकिन सिंपल तौर पर आप कस्टम खेलो एंड उसमें अपने बंदे को, जो भी आपका दोस्त है, उसको सामने खड़ा रखो एंड उसको बोलो कि तुम खड़ा रहे, मैं आप तुमको हेड दूंगा। तो उसको हेड कैसे देना गाइज, आपको क्या करना है, सिंपली फायर बटन को एकदम नीचे करना है, देन फटाफट 1 सेकंड भी होना चाहिए, ठीक है। एंड इसका फायर बटन लगभग आपका 50 का होना चाहिए, 50 इसका मतलब बड़ा होना चाहिए, जिससे ज़्यादा नहीं, ठीक है। तो ये है एकदम फटाफट नीचे गिरना एंड ऊपर खींचना। अब मैं आपको दूसरी क्लिप्स भी दिखा देता हूँ, उसे भी देख लो। सो गाइज, अब यहाँ पर आप देखते रहो मैं कैसे हेड मारता हूँ, ठीक है। एकदम स्लो मोशन में आपको दिखा रहा हूँ, देखो नीचे एम किया फिर ऊपर खींचा डायरेक्ट हेड। तो ये थोड़ी मैंने पहले आफ्टर अपडेट से मतलब पहले किया हुआ है, ठीक है। तो उसमें भी गाइज मैंने ट्राई किया था, देखो हेड लग रहा है, ठीक है। तो अब आप मतलब इसका इंजॉय कीजिए। देखो यहाँ पर देखो ना गाइज, मैं एम अपना नीचे किया, ऊपर खींचा डायरेक्ट बंदे को पूरा हेड एंड बंदा ख़त्म। तो गाइज ये टिप्स है कि इसके लिए थोड़ी सी आपको प्रैक्टिस चाहिए। प्रैक्टिस आप क्लैश स्क्वाड या TDM या फिर आप लॉबी में कर सकते हो M1014 के साथ। तो M10 से होता है या नहीं वो पता नहीं, मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग। एंड अब भी आपको कुछ समझ में नहीं आया
तो मैंने इंस्टाग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दी है, जाओ वहाँ पर मुझे बोल दो, DM करो, जो भी आपका मतलब समझ में नहीं आया वो मुझे पर्सनली पूछ सकते हो, तो ज़रूर रिप्लाई करूँगा एंड नेक्स्ट में अच्छे से समझाऊँगा। तो वीडियो में इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय गाइज।